सरकार वेतन अपन मामा जी के घर से का ला के देते हैं? नमक से कफन तक जो हम टैक्स देते हैं, बिहार के एक एक आदमी जो नमक से लेके कफन तक टैक्स देता है, बिहार की सरकार या देश की सरकार उसी से संचालित होती है और उसी के गुटबाजी क्या सवाल है? लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बातों को रखने का, अपने आप को मजबूत रखने का। लोकतांत्रिक प्रदेश में जो भारत के संविधान लिखा, और कहाँ गया संविधान? बड़ी छाती पीटते थे संविधान, संविधान का खतरा है, संविधान का खतरा, कहाँ खतरा है? नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। छुट्टियों में कटौती को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। बता दें आपको कि नीतीश कुमार को हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। सियासी गलियारों से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। विपक्ष नीतीश सरकार पर जबरदस्त हमलावर है। बता दें आपको कि इस क्रम में बीजेपी MLC नवल किशोर यादव ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जबरदस्त निशाना साधा। बता दें आपको कि नवल किशोर यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है, नीतीश कुमार बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। इस क्रम में शिक्षा विभाग की ओर से एक और फरमान जारी किया गया है कि अगर कोई शिक्षक संघ बनाते हुए नजर आते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर भी नवल किशोर यादव ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है और कहा है कि पहले बिहार के मुख्यमंत्री छात्र नेता हुआ करते थे, उसके बाद वो यहाँ तक पहुँचे हैं, आज वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में वो किसी को मना कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं नवल किशोर यादव, पहले आप वो सुने। उच्च माध्यमिक विद्यालयों के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं। किसी राज्य में बेहतर शिक्षा के लिए पहल हो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किसी राज्य में शिक्षा के नाम पर प्रताड़ित किया जाता हो, शिक्षकों को प्रताड़ित करने की बात होती हो, अपना TRP बटोरने की बात होती हो, डिक्टेटर की बात होती हो, मौलिक अधिकारों के हनन की बात होती हो, इसे कतई स्वीकार शिक्षक वर्ग नहीं करेंगे, यह कहने के लिए आपको बुलाएं। साथियों, अनुच्छेद 19 से के 6 में मौलिक अधिकारों में स्पष्ट लिखा गया है कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र एवं संघ संगठन बनाने के लिए संविधान के मौलिक अधिकारों में स्पष्ट दिया गया है कि हम अपने संघ संगठन को बनाएंगे, हम अपनी स्वतंत्र भाषा का प्रयोग करेंगे, अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे, अपने अधिकारों के लिए हम किसी भी बड़े से बड़े अधिकारी और राजनेता से बात करेंगे। ये भारत के मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में अधिकार प्रदत्त है और किसी व्यक्ति को इस पर कुठाराघात नहीं करने दिया जाएगा, यह हमने आपको बुलाया है। सर्वोच्च न्यायालय का भी, केशवानंद भारती का जो 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने भी कहा है कि नियम बनाया है कि मौलिक अधिकारों में कटौती का अधिकार न संसद को है न विधानमंडल को है। ये किसी भी स्थिति और परिस्थिति में मौलिक अधिकारों का हनन भारत के संसद भी नहीं कर सकता है, भारत के विधानमंडल भी राज्यों के नहीं कर सकते हैं। फिर कोई व्यक्ति यह मौलिक अधिकार शिक्षकों का, शिक्षकेतर कर्मचारियों का, शिक्षा का नहीं कर सकते हैं। ये चुनौती देने के लिए हम आप तमाम लोगों को बुलाए हैं। अनुच्छेद 53 से स्पष्ट है कि संवैधानिक प्रावधानों को उल्लंघन करने पर, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संवैधानिक प्रावधानों को उल्लंघन करने पर महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को भी अभियोग लाया जा सकता है। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार हैं, वो भारत के संविधान में सुरक्षित हैं, वह चाहे बड़े से बड़े पदों पर हों, राष्ट्रपति हों,
उपराष्ट्रपति हों, महामहिम हों, चीफ मिनिस्टर हों, विधानमंडल के नेता हों, विधानमंडल के सदस्य हों, कोई भी मौलिक अधिकारों में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के मौलिक अधिकारों पर छेड़छाड़ किया है, यह घोर निंदनीय है, अपराध है, इसलिए आप तमाम साथियों को बुलाए हैं। अब नीतीश कुमार जी के कुछ से कुछ बोला जाता है उनसे, कुछ से कुछ उनसे बोला जाता है, उस पर बहुत नोटिस मत लीजिए। नीतीश कुमार जी, शिक्षा में किसी को सुधार के लिए कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षा बिगाड़े भी वही थे, बिगाड़ने आप गए थे शिक्षा, इसमें पत्रकार गए थे, हम गए थे, बिगाड़े भी वही थे, संभालना भी उन्हीं को है, जिस तरह से बिगाड़े हैं उसी तरह से संभालना है। गाली देने से शिक्षा में कोई परिवर्तन और रूपांतरण नहीं होता है। सरकार वेतन अपन मामा जी के घर से काला के देते हैं, नमक से कफन तक जो हम टैक्स देते हैं, बिहार के एक एक आदमी जो नमक से लेके कफन तक टैक्स देता है, बिहार की सरकार या देश की सरकार उसी से संचालित होती है और उसी के गुटबाजी क्या सवाल है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बातों को रखने का, अपने आप को मजबूत रखने का। लोकतांत्रिक प्रदेश में जो भारत के संविधान लिखा, और कहाँ गया संविधान, बड़ी छाती पीटते थे संविधान का खतरा है, संविधान का खतरा, कहाँ खतरा है, खतरा तो बिहार में शिक्षकों के साथ मौलिक अधिकार को हनन कर रहे हैं। कहाँ गया संविधान के दुहाई देने वाले, आज संविधान की दुहाई दें। अगर ऐसा संशोधन नहीं हुआ तो नीतीश कुमार को ईंट से ईंट बजा देंगे हम तमाम शिक्षक मिलके, ये देखते रह जाएंगे। अब ये उनके सरकार की बात है कि शिक्षा मंत्री को पता है कि नहीं पता है, ये नीतीश जी बता सकते हैं, तेजस्वी जी बता सकते हैं, हम उस बीच में नहीं पढ़ना चाहते। हम डायरेक्ट नीतीश कुमार से को आह्वान कर रहे हैं कि आप इसको दुरुस्त कीजिए, नहीं तो आपको जानते हैं, आप बिहार में यात्रा कर रहे थे, लड़कियां आपको काला दुपट्टा मुंह पर फेंक रही थी और आप परेशान हैं, कहीं वही दृश्य शुरू ना हो जाए, आप इस पे संतुलन बनाइए। और जो हमारे संस्कृति के खिलाफ जो आपने छुट्टियों में कटौती किया है, जो आप 9 बजे से 5 बजे तक शिक्षकों को रखना चाहते हैं स्कूल में, आप जरा बताइए कि हमारी महिला बहनों को रिजर्वेशन आपने दिया है, अपॉइंटमेंट किया है, गांव में 5 बजे तक आप रख के क्या कीजिएगा। पूरे भारत में 10 बजे से 4 बजे स्कूल चलता है गांवों को, आप 9 बजे से 5 बजे तक रखेंगे, आप प्रताड़ित करना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा, इसमें संशोधन करना ही होगा। और आप हमारे छुट्टियों में जो कटौती किया है और जो उच्च शिक्षा में आपने लेटर निर्गत किया है कि कोई सोशल मीडिया पर बात, हमको तो चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है, उस शिक्षा में हम लोग चुनाव लड़ते हैं, इसको गैर जिम्मेदाराना हरकत और कम जानकारी वाले लोग हैं जो अपने TRP को बढ़ाना चाहते हैं। अगर सरकार ने इसको दुरुस्त नहीं किया तो हम लोग सरकार को दुरुस्त कर देंगे। अपना हक मांगने पर शिक्षकों को बर्खास्त करने की धमकी दी जा रही है कहते हुए नजर आए बीजेपी MLC नवल किशोर यादव। इस क्रम में उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले खुद ही एक छात्र नेता हुआ करते थे, उसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखी और आज वो बिहार के मुख्यमंत्री है, तो ऐसे में किसी को वो मना कैसे कर सकते हैं। कोई अगर अपना संग बनाना चाहता है तो उसे मना नहीं किया जा सकता है। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे नवल किशोर यादव, सुना आपने। तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।